अरे आ गए शान जी, आओ बेटा यहाँ पर आओ। डैड, मैंने और सरमद ने निकाह कर लिया। क्या शांजे, तुम होश में तो हो? वकार, क्या हो रहा है ये? वकार भाई, ये क्या कह रही है आपकी बेटी, और ये लड़का कौन है? ये मेरा हस्बैंड है। ये बकवास बंद करो और दफा हो जाओ कमरे में। आप मुझे इस तरह थ्रेटन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। माफ कीजिएगा वकार भाई, आपके साथ हमारे बरसों पुराने फैमिली टर्म्स हैं। अपनी इज्जत का आना से ही कम से कम इन ताल्लुकात का ही भरम रख लेते, इस तरह हमें जलील तो ना करवाते। बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे, इतने पुराने ताल्लुकात और दोस्ती का ये सला दिया तुमने मुझे। मुझे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे के सामने शर्मिंदा करके रख दिए। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? अंकल प्लीज मेरी बात सुने, देखिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, ये सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कुछ देर बैठ के बात कर लेते हैं एक दफा प्लीज। ताकि तुम हमें मजीद बेवकूफ बना सको। अगर आपकी बेटी शादी के लिए राजी नहीं थी तो ये सब ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? फुरकान, अब किस बात का इंतजार है? हो गया आपका शौक पूरा खानदानी दोस्त के साथ अपने बेटी का रिश्ता तय करने का? जिनकी ऐसी बेशरम बेटियां होती है ना, वो वैसे भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। चलें। आंटी प्लीज। ओके चलिए चलो।